May I come in, madam? Yes. आइए स्विमिंग चैंपियन. कहाँ स्विमिंग चैंपियन मैडम? Why not? जो आदमी एक ही सांस में पूरी नदी पार कर जाए वो स्विमिंग चैंपियन ही तो हुआ. वो टाइम और था मैडम. वो टाइम और क्यों था? आप बूढ़े हो गए. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैडम. तो चलिए. कहाँ? कहाँ? मिस्टर साजन मुझे स्विमिंग सिखाने और कहाँ? What's wrong with you? I'm so excited कि आप मुझे स्विमिंग सिखाने वाले हैं. पता है उस चक्कर में मैंने कल रात को सपना भी देख लिया कि मैंने एक प्यारा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है और मैं समंदर के लहरों के साथ खेल रही हूँ. कभी लहरों के ऊपर कभी नीचे, मैं बस लहरों के साथ खेले जा रही हूँ. मेरे इर्द गिर्द रंगीन मछलियाँ हैं और मैं एक डॉल्फिन की तरह उन मछलियों के बीच खेले जा रही हूँ, अटखेलियाँ कर रही हूँ. इट्स सच अ लवली ड्रीम. वैसे तो आपको सारे हुनर आते हैं मैडम, फिर ये आपने स्विमिंग क्यों नहीं सीख ली? आई वॉज वेटिंग फॉर यू. मैं चाहती थी कि आप मुझे स्विमिंग सिखाएं. ये देखिए, आई एम ऑल सेट स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ. अरे यार मैडम तो पूरी तैयारी के साथ बैठी हैं, अब मैं क्या करूंगा? क्या सोच रहे हैं मिस्टर साजन? चलिए. हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे मैडम, जरूर चलेंगे. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूल तक चलने से पहले मैं आपको थोड़ी स्विमिंग की थ्योरी समझा देता हूँ. क्यों सीखनी है थ्योरी? मुझे एग्जाम्स थोड़ी देने स्विमिंग के. लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. आप मुझे सिखाइए. हाँ प्रैक्टिकल होगा मैडम, लेकिन बेसिक्स बहुत जरूरी है. बेसिक्स? चलिए सिखाइए. तो मान लीजिए कि आपका ये जो केबिन है ये एक पानी का जहाज है. ओ, पानी का जहाज. हाँ ऐसा फील कीजिए. ओके, सो मेरा केबिन पानी का जहाज है, टाइटैनिक है. मिस्टर साजन क्या हुआ आपको? आप पीटी क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं पीटी नहीं, फील कर रहा था मैडम. आप भी फील कीजिए. देखिए जैसे कि ये जो आपका केबिन है ये पानी का जहाज टाइटैनिक जो कि डूब रहा है और जिसमें आप सवार हैं, तो आप भी डूब रही हैं और आप पानी में हैं, डूब रही हैं और आप छटपटा रही हैं और आप चीख रही हैं कि बचाओ मुझे बचाओ. चीखिए मैडम चीखिए. मैं चीखूं? हाँ चीखिए ना मैडम, उससे फील आएगा, मजा आएगा और मजे मजे में आप सीख जाएंगी. क्या बदतमीजी है ये? छोड़िए मेरी बेटी को. तो मैंने पकड़ा कहा है जो मैं छोड़ू? बेटा क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं पापा, मस्ती कर रहे थे. बेटा देखो तुम जवान हो गई हो, ये मस्तियां छोड़ो अब. पापा मैं दिल से आज भी बच्ची हूँ. बेटा तुम क्या हो ये आज तक मैं भी नहीं समझ पाया. वो तो मुझे भी नहीं पता. पता लगते ही बेटा फौरन मुझे बताना. ओके टेक केयर बेटा. ओके मिस्टर साजन लेट्स कंटिन्यू. नहीं 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 वो मुझे लगता है बेसिक्स हो गए, डन. रियली? हाँ परफेक्ट. तो प्रैक्टिकल अब हम कल करेंगे. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल मुझे कुरियर करनी है ऑफिस की. Then why you wasting time? जाइए. हेलो. हाँ खिलौनी. अरे सुनना यार बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है यार. भाभी ने तुझे मैडम के साथ रंगे हाथों पकड़ ले क्या? अबे यार तू क्यों हमेशा ये मनहूस बात करता रहता है यार? मत बोला कर बार बार ऐसा यार, किसी दिन ऐसा हो ही जाएगा फिर. अरे यार तू है ना तलवार की धार पर चल रहा है बेटा, तेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है. जब भी तेरा फोन आता है ना कसम से मैं डर जाता हूँ. तो अपनी बकवास बंद करेगा अभी? अरे तू बोले यार काम क्या है? अबे यार मैडम ना बहुत उतावली हो रही है यार. यार उतावली हो रही तो ले जा. अबे वैसी वाली उतावली नहीं हो रही है वो स्विमिंग सीखने के लिए उतावली हो रही है. ओए होए मैडम स्विमिंग करेगी तो जलपरी लगेगी. अबे वो पानी के कीड़े, तू एंजॉय करना बंद कर और मुझे बता कि मैं क्या करूँ. अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैडम स्विमिंग सीखेगी और जरूर सीखेगी. तू नहीं सिखा पाएगा तो मैं सिखाऊंगा.
क्या बका तूने? कुछ नहीं, एक काम कर बेटा, तू शाम को आ जा, मेरे पास ना एक आइडिया है। चलो ओके बाय। हाँ आ जा तू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गई भसूड़ी के खेत में। आप ये बताइए कि आप मेरी बेटी के केबिन में मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर। तो फिर वो चीखी क्यों? छेदी एक कॉफी लाना। छेदी अंदर नहीं आना। मिस्टर साजन आप सच सच बताइए कि आप मेरी बेटी के केबिन में मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे थे? सर वो मैं मैडम को स्विमिंग सिखा रहा था सर। केबिन में स्विमिंग सिखा रहे थे? लेकिन केबिन में पानी तो है ही नहीं। वो हम लोग फील कर रहे थे कि केबिन में पानी है। अगर आप सिर्फ पानी फील कर रहे थे तो मेरी बेटी चीखी क्यों? क्योंकि वो डूब रही थी। तो फिर उसने आपके बाल क्यों पकड़ रखे थे? वो सर क्या है ना कि हम लोग फील कर रहे थे कि मैडम का जो केबिन है वो टाइटैनिक जहाज है जो कि डूब रहा है। इंटरेस्टिंग। यस हां, तो मैडम भी डूब रही है, तो डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। तो उन्होंने मेरे तिनके पकड़ लिए। मिस्टर साजन आई होप कि आपने टाइटैनिक के डूबने वाले सीन फील किए, उससे पहले वाले नहीं। हाँ सर, डूबने वाले ही सीन फील किए हमने सिर्फ। अगर आपको मेरी बेटी को स्विमिंग ही सिखाना है तो उसे स्विमिंग पूल लेके जाइए। ऐसे फील करने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो मैं तो रोजाना शकीरा। छेदी चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं मिलेगी, मैं लेके आता हूँ सर, मैं लेके आता हूँ। जीजा यू के बदतमीजी लगा रखे तूने। कौन सी बदतमीजी लगा दी मैंने? मैडम के केबिन में अभी तू ही था ना। तो मैडम के केबिन में जाना क्या बदतमीजी है? बातों को घुमावे मत ना, और साफ साफ बता दे कि मैडम के केबिन से मैडम के चीखने की आवाज क्यों आई। तो मैडम की गोद में कॉकरोच बैठ गया था। भावली पूछ, कॉकरोच बैठ गया था या मैडम की गोद में तू बैठ गया था? चलना मेरा दिमाग मत तपा तू, चल यहाँ से। जीजा दिमाग तो सांझ को जीजी तरह तपाएगी जब मैं तेरी बदतमीजियों के बारे में जीजू को बताऊंगा। भूपेश, भूपेश। जीजा वैसे तू आदमी बढ़िया है। आई लव यू जीजा।